चित्रकूट में महाविद्यालय के बाद अब चित्रकूट इंटर कॉलेज पेड़ों की कटान को लेकर चर्चा में है। गुरुवार को यहां परिसर में लगे पेड़ काटे गए। हालांकि इस संबंध में जब प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान से बात की गई तो उनका कहना था कि उनको ये जानकारी नहीं है कि पेड़ कटवाने से पहले अनुमति ली जाती है। सदर तहसील मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित चित्रकूट इंटर कॉलेज परिसर में कीमती पेड़ लगे हैं। गुरुवार को यहाँ कई पेड़ काटे जाने लगे। जानकारी के मुताबिक सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार मंगल यादव और वन विभाग के वाहन में लदी पेड़ों की टहनियां। कर्मचारियों ने पेड़ों की कटान रुकवाई। प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि मुझे नहीं पता कि पेड़ों को काटने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। नायब तहसीलदार ने बताया कि वह पीएम के निर्देश पर मौके पर गए थे, परमिशन ना दिखा पाने की वजह से काम रुकवा दिया गया। पता लगा है कि वहाँ पर कुछ जो है प्रिंसिपल के द्वारा कुछ पेड़ों को कटवाया जा रहा था। ये पता लगा है कि वहाँ पर कुछ लैब बनने वाली है, उसके लिए कुछ लोग कार्रवाई कर रहे थे, तो तुरंत स्टाफ को मौके भेजा गया था और उसमें मैंने रंजब सर को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करें, उनको नोटिस दें, उनके खिलाफ फिर जो मुकदमा दर्ज करें। सर पता तो बताया होगा जो कर्मचारी गए थे कि क्या स्थिति है पेड़ों की, कौन कौन से प्रजाति के पेड़ों का। नहीं वो तो खैर मेरी उनसे बात तो फिलहाल नहीं, कर्मचारी ने मुझसे नहीं बताया, रेंजर साहब जरूर बात हुई है। रेंजर साहब को फिर मैंने मौके भेजा कि जाकर के देख के आओ, पूरी कार्रवाई ठोस तरीके से करो।